मोबाइल फ़ोन है इसके पास बैठ जाए बता देगा जो दिखा देगा। देखो भाई जो ये क्वेश्चन है इसमें अ कॉपर वायर इज हेल्ड अ कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। एक कॉपर वायर दे रखा है इट इज होल्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मैं यहाँ पर बनाकर दिखा रहा हूँ इसको। इसका आंसर कितना बी बता रहे हो या डी बता रहे हो? बी मुझे भी बी लग रहा है, मुझे भी बी लग रहा है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। देखिए एक तो यहाँ पर ना मैग्नेट दे रखी है, तो मैग्नेट ऐसे दे रखी है, मैग्नेट है यहाँ पर, एन है नॉर्थ पोल, अब इस जगह ना डायरेक्शन पे रखी है इसकी ऐसे अब आपने इसमें देखें, इसमें बोल रहे हैं द करंट इन द कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, द करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स्ड, द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड ओवर, इन हाउ मेनी ऑफ द फोर डायरेक्शंस शोन कैन द फोर्स एक्ट ऑन द वायर। तो वायर पे फोर्स कहाँ कहाँ एक्ट कर सकती है ये हमको बताना है। तो आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए ये तो वायर दे रखी है, अब मैंने ये कहा कि वायर में करंट की डायरेक्शन हमने ये ले ली बाहर की तरफ वाली, ठीक है, ये ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है करंट, और मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो हमने ऐसे ले लिए नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ और साउथ मैग्नेट के पोल्स हैं। तो इन्होंने बोला कि जो ये करंट की डायरेक्शन है आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, ठीक है, मतलब करंट की करंट जो है बाहर की तरफ आ रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि करंट अंदर की तरफ जाने लगे, और जो नॉर्थ और साउथ है इसको भी चेंज करा जा सकता है, नॉर्थ इधर कर सकते हैं साउथ इधर कर सकते हैं। तो पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने नॉर्थ साउथ को ऐसे ही रहने दिया और करंट की डायरेक्शन को ऐसे कर दिया कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो हमने फिंगर्स को इस तरीके से स्ट्रेच कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर करंट जो है ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये सेंट्रल फिंगर सामने की तरफ, मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है, और इसको ऐसे कर लेंगे क्योंकि नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ और करंट बाहर की तरफ, तो थंब पर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वायर है ये वायर ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा। तो एक डायरेक्शन तो इसका हो गया अपवर्ड, अपवर्ड एक डायरेक्शन तो ये हो गया। फिर हमने ये कहा कि अभी जो ये नॉर्थ और साउथ है पोलैरिटी इसको चेंज नहीं करते, सिर्फ करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो मैंने ये कहा कि नॉर्थ और साउथ ऐसे ही रहने देते हैं, अब करंट की डायरेक्शन हमने अंदर की तरफ कर दी, करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ कर दी अब हमने। तो इस तरह से फिंगर्स को स्ट्रेच करा, अब नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगा नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही रहेगा, और जो ये सेंट्रल फिंगर है इसको पहले हमने बाहर की तरफ करा था अब अंदर की तरफ कर दिया, जब अंदर की तरफ करा तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स अब कहाँ लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दूसरे केस में फोर्स कहाँ लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये हो गया। अच्छा तो इस केस में हमने क्या करा था कि मैग्नेट में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं करा, हमने सिर्फ करंट जो है वो चेंज करा है एक बार बाहर की तरफ और एक बार अंदर की तरफ। अब क्या करें, अब करंट को फिक्स कर दो, अब करंट को फिक्स कर दीजिए,
मान लीजिए कि करंट बाहर की तरफ है, ठीक है, और जो मैग्नेट की पोलैरिटी है, मैग्नेट की पोलैरिटी को अब आप चेंज करते हैं, तो कैसे करेंगे? एक बार हमने क्या करा कि नॉर्थ साउथ ये तो रहा ही पहले केस में, और करंट आउटवर्ड, तो आउट लिख दिया बस, ठीक है। एक बार क्या करा कि नॉर्थ और साउथ ऐसे ही रहने दिया, नॉर्थ और साउथ ऐसे ही रहने दिया मैग्नेट का, और करंट इनवर्ड्स, तो करंट इन ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम साउथ और नॉर्थ कर देंगे, और साउथ और नॉर्थ में करंट को लेंगे आउटवर्ड, और फिर साउथ और नॉर्थ में ही करंट को लेंगे इनवर्ड्स। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं बन सकता, ठीक है। और हमें चारों अलग अलग केसेस में, चारों अलग अलग केसेस में हमें ये बताना है कि ये जो वायर है ये कितने डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, और उसी के ऑप्शन दे रखे हैं, एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, तीन या चार, ये ऑप्शंस दे रखे हैं। तो मैंने क्या करा कि ये दोनों केसेस तो मैंने देख लिया, तो पहले केस में अपवर्ड जा रहा है वायर, अपवर्ड मूव कर रहा है, दूसरे केस में डाउनवर्ड मूव कर रहा है। अब तीसरा केस देखेंगे कि साउथ इधर, साउथ इधर और नॉर्थ इधर, ये हो गया नॉर्थ, साउथ इधर और नॉर्थ इधर। तो इस केस में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फिर से ऐसे, तो अब हम इसको ऐसे रखेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड अब नॉर्थ से साउथ हो गया, तो हमने इसको ऐसे कर लिया अपने हाथ को, समझ रहे हो भाई, जब नॉर्थ से साउथ था तब इसको ऐसे कर रखा था, तब ऐसे कर रखा था, अब इसको ऐसे घुमा दिया, जब ऐसे घुमा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ, और जो करंट है वो आउटवर्ड है, तो करंट आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, करंट आउटवर्ड, तो थंब किस तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब डाउनवर्ड। तो इस केस में भी, तीसरे वाले केस में डाउनवर्ड जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। अब जो चौथा केस है उसमें साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर, और करंट इनवर्ड, यानी कि करंट की डायरेक्शन हम मैंने कर दी अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन हमने कर दी अंदर की तरफ। तो फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करा, मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ की तरफ रहेगा ही, ठीक है, और करंट जो है, जो हमने पहले आउटवर्ड लिया था, अब उसको इनवर्ड ले लेंगे, तो सेंट्रल फिंगर अंदर की तरफ, तो थंब कहाँ, ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब फोर्स कहाँ लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स लगने के, हमने इसके चारों अलग अलग पॉसिबिलिटीज करके देख ली, तो फोर्स लगने के सिर्फ दो ही डायरेक्शन है, एक अपवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। तो एक डायरेक्शन ये हो गया और दूसरा डायरेक्शन ये हो गया, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है कि कितनी, इन हाउ मेनी ऑफ द फोर डायरेक्शंस शोन कैन द फोर्स एक्ट ऑन द वायर, ठीक है। तो चार डायरेक्शन इन्होंने दिखा रखे थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो हम कहेंगे नॉर्थ में और साउथ में, बस इन्हीं दो डायरेक्शन में ऊपर नीचे वो मूव कर सकता है। और देख रहा हूं, हाँ भाई, ये कौन सा वाला है, वायरिंग वाला कौन सा क्वेश्चन है सर? ऐसा लग रहा था कि एक एमसीबी है उसमें सारे के सारे, यही वाला, हाँ यही वाला, ये सैंपल पेपर में है क्या? हाँ पता नहीं, हाँ सर तो देख, ये मैं तो समझ में आगे क्वेश्चन नहीं आ रहा। चलो ठीक है, वो तो देख लेते हैं। सर एक और एक छोटा सा वाला पहले बता, कौन सा है ये? 15 ये भी सैंपल पेपर का है, सारे फॉरवर्ड करो, बताता हूँ, मतलब तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है, इसका मतलब चलिए जी एक क्वेश्चन और भेजता हूँ। सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, एमबीए मेंटा
होना चाहिए पर सैंपल पेपर को देख के कर रहे हैं देखो जी ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 अभी जो दूसरी फोटो भेजी है उसमें देखिएगा इसमें दे रखा है प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग डायमीटर डी प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग डायमीटर डी एंड लेंथ एल एज शोन अबव ठीक है अ डिक्रीज इन द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इंक्रीज इन द देखो ये जो पहला इन्होंने दिया है ना जो इन्होंने डायग्राम दे रखा है ये डायग्राम तो होता ही है जितने भी वायर्स हैं उनका सबका डायग्राम ऐसे ही होता है जो भी प्लास्टिक इंसुलेशन होती है वायर के ऊपर तो ये ऐसे दे रखा है प्लास्टिक इंसुलेशन दे रखा है और यहाँ पर बीच में बोल दिया कि ये मेटल कोर है ये मेटल कोर है अच्छा तो प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग डायमीटर डी एंड लेंथ एल एज शोन अबव तो प्लास्टिक इंसुलेशन हर वायर के ऊपर होता ही होता है आप देखेंगे कोई भी वायर ऐसा नहीं होता कि उसको हमने छू लिया और सीधा करंट लग गया तो उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग हो रखी होती है A decrease in the resistance of the wire would be produced by an increase in the मुझे resistance decrease करना है तो resistance decrease करना है तो अब ना मेरे को option हम ये जानते हैं कि R is directly proportional to L and R is inversely proportional to area of cross section अब ये जो area of cross section है area of cross section सीधा सीधा related है diameter से diameter बढ़ा दोगे तो area of cross section बढ़ जाएगा diameter कम कर दोगे तो area of cross section कम हो जाएगा भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका सर्कल ही तो है ना तो आप डायमीटर बढ़ा देंगे तो एरिया बढ़ जाएगा एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा ठीक है तो इन्होंने बोला अ डिक्रीज इन रेसिस्टेंस नहीं समझे हाँ डायमीटर अगर आप बढ़ा दोगे तो डायमीटर बढ़ाने से एरिया बढ़ाओ भाई डायमीटर बढ़ाने से एरिया बढ़ जाएगा ना तो डायमीटर जैसे ही बढ़ा तो इसका मतलब क्या है कि रेडियस बढ़ गया तो पाई आर स्क्वायर बढ़ गया ना एरिया बढ़ गया तो जब एरिया बढ़ गया तो रेसिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो इसमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं ऑप्शन ए है लेंथ एल ऑफ द वायर तो लेंथ एल ऑप्शन ए तो गलत है लेंथ बढ़ाने से रेडियस बढ़ता है लेंथ बढ़ाने से रेडियस बढ़ता है फिर बी है डायमीटर डी ऑफ द वायर तो इन्होंने बोला कि अ डिक्रीज इन रेसिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस बाय एन इंक्रीज इन द डायमीटर डी ऑफ द वायर तो ऑप्शन बी ठीक है इसका ठीक है ये तो हो गया आपका ऑप्शन बी सभी को समझ में आ गया बेटा ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ठीक है अच्छा उसके बाद जो है ना इन्होंने दे रखा है कि टेम्परेचर ऑफ द वायर सी ऑप्शन दे रखा है टेम्परेचर ऑफ द वायर तो इसमें कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो क्योंकि जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था उसमें यही था कीपिंग द टेम्परेचर एंड अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ठीक है ना तो टेम्परेचर सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है इसको तो बिल्कुल गायब कर दो उसके बाद डी है थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक इंसुलेशन थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक इंसुलेशन से क्या फर्क पड़ रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा भाई ये प्लास्टिक का वायर है प्लास्टिक का वायर हमारी दीवारों में से जा रहा है दीवारों में जो प्लास्टिक का वायर है ना वो भी ऐसे ही नहीं जा रहा उसमें भी पाइप होते हैं और पाइपों के अंदर से जा रहा होता है वायर उसके बाद भी कंक्रीट की लेयर जमी हुई है इतनी मोटी मोटी दीवारें फिर भी करंट तो फ्लो कर रहा है ना रेसिस्टेंस तब भी ऑफर कर रहा है तो कितनी भी थिकनेस बढ़ा दो आप इंसुलेशन कितना भी बढ़ा दो आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है जितना रेसिस्टेंस वो ऑफर कर रहा है उतना करते रहेगा उससे कोई लेना देना नहीं ठीक अच्छा जी इसके बाद जो है
क्या चीज अभी देख रहा हूँ अच्छा हाँ एक मिनट विनायक तुम्हारा भी कल ही है क्या पेपर कल नहीं है सब मंडे को लेकिन अब जितना कल उनका पहले करो चलो ठीक है कोई बात भाई एक बार बता दो तुम्हारा कल और कौन सा रह गया सर दो है वही दो इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री ये देख रहा हूँ ये इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है करवाना पड़ेगा कि ये थोड़ा समझा दे बताइए देख रहा हूँ जो ये मैं ग्रुप पर भेज रहा हूँ तो ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा हूँ चलिए देखिएगा ये जो क्वेश्चन है इसमें ना एक डायग्राम दे रखा है इसमें है द डायग्राम अबव इज अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ हाउस होल्ड सर्किट एक हाउस होल्ड सर्किट है हाउस होल्ड सर्किट का स्कीमेटिक डायग्राम है अब ये जो है इसमें ना ऐसा दे रखा है आप देखेंगे यहाँ पर ना चार पांच सेक्शंस दे रखे हैं अलग अलग 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 तो समझ लीजिए कि ये जो एक नंबर पर है एक नंबर पर मान लीजिए कि हॉल हो गया दो नंबर पर किचन हो गया तीन नंबर पर एक और रूम और चार और पाँच नंबर पर वॉशरूम हो गया या कोई एक और रूम हो गया तो पाँच डिविजन्स दे रखे हैं पाँच अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं पूरे के पूरे हाउस होल्ड के अच्छा अब देखिए द हाउस शोन इन द अबव डायग्राम हैज फाइव यूजेबल स्पेसेस ठीक है हम इसको एक चीज़ दिमाग में ये रखेंगे कि भाई हम जो भी चीज़ यूज़ करते हैं घर पर उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होता है तो इन्होंने बोला कि घर में पांच यूजेबल स्पेसेस हैं वेयर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आर मेड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर रखे हैं अच्छा हम पहले से ये जानते हैं कि घरों में जितना भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है वो सारा का सारा पैरेलल में होता है सीरीज में नहीं होता ठीक है अच्छा फॉर दिस हाउस द मेन्स हैव अ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट तो इस घर में जो मेन्स की वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है पहली चीज एंड द नेट करंट कमिंग फ्रॉम द मेन्स इज 22 एम्पीयर और जो पूरा का पूरा जो करंट आ रहा है जो मेन सप्लाई से करंट आ रहा है वो 22 एम्पीयर का करंट आ रहा है व्हाट इज द ए पार्ट है व्हाट इज द मोड ऑफ कनेक्शन ऑफ ऑल द स्पेसेस इन द हाउस फ्रॉम द मेन्स तो पहले का आंसर देखो पैरेलल मोड ऑफ कनेक्शन क्या होगा पैरेलल होगा पहले का आंसर फिर बी का है बी में देखिए जो बी है बी में है द स्पेसेस 5 एंड 4 हैव द सेम रेजिस्टेंस एंड स्पेसेस 3 एंड 2 हैव रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड 30 ओम स्पेस 1 हैज अ रेजिस्टेंस डबल दैट ऑफ स्पेस 5 व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस फॉर स्पेस 5 ठीक तो अब जो ये आपको डायग्राम दे रखा है ना 1 2 3 4 5 पांच यूजेबल स्पेसेस है मान लीजिए एक हॉल हो गया एक किचन हो गया एक दूसरा रूम हो गया तो इस तरह से पांच अलग अलग स्पेसेस हैं तो क्या होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो है ना ये अंदर वाला रूम है यहाँ पर करंट थोड़ा कम आएगा ठीक ऐसा नहीं होना चाहिए हर जगह करंट बराबर जाना चाहिए वोल्टेज बराबर जानी चाहिए तो पैरेलल में ही कनेक्शन होता है तो अब आप ये देखो बी पार्ट को किस तरह से करेंगे पहली चीज़ तो ये कि ये डायग्राम बड़ा कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है ठीक है घरों के भी सबके अलग अलग डिज़ाइन होते हैं वो कौन से सिंपल होते हैं तो ऐसा तो होता नहीं ले भाई ये किचन है ये बराबर ये बाथरूम है ये बराबर वाला कमरा सब लाइन से ट्रेन के डब्बे की तरह तो होते नहीं है अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं तो इस वजह से इस डिज़ाइन में तो कन्फ्यूज़ होना मत जो ये दे रखा है हमें ये मालूम है फाइव यूजेबल स्पेसेस हैं तो पाँचों के पाँचों पैरेलल में होंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे अब देखो इन्होंने क्या बोला था स्पेस 5 एंड 4 हैव द सेम रेजिस्टेंस तो हमने ये कहा इसको मैंने बॉक्स बना दिया और यहाँ लिख दिया 5 कि स्पेस 5 है इसका रेजिस्टेंस R हो गया या R1 हो गया R1 बोल दिया इसका रेजिस्टेंस R1 ठीक है और इसी तरीके से स्पेस 4 के रेजिस्टेंस को भी मैं R1 ही बोलूंगा R1 है क्योंकि दे रखा है कि स्पेस 5 एंड 4 हैव इक्वल रेजिस्टेंसेस ठीक है सब पैरेलल में होंगे स्पेस 1 2 3 4 5 सारे पैरेलल में होंगे ठीक है ना क्योंकि हाउस होल्ड सर्किट है तो हाउस होल्ड कनेक्शन होता ही पैरेलल में है सीरीज में होता ही नहीं ठीक है उसके बाद देखिएगा एंड स्पेस 3 एंड 2 हैव रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंसेस ऑफ 20 ओम एंड 30 ओम तो अब मैं आ रहा हूं स्पेस 3 एंड 2 तो ये स्पेस 3 है तो इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है
20 ओम और स्पेस टू का रेसिस्टेंस दे रखा है 30 ओम, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा, फिर ये बोल रहे हैं स्पेस वन हैज अ रेसिस्टेंस डबल दैट ऑफ स्पेस फाइव। तो स्पेस वन का रेसिस्टेंस कितना? डबल दैट ऑफ स्पेस फाइव। तो स्पेस फाइव की रेसिस्टेंस का डबल हो गया स्पेस वन में। तो ये स्पेस वन है, इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? 2R1। What is the net resistance for space 5? वो कह रहे हैं कि space 5 का जो net resistance है वो बता दो। पांचों के पांचों parallel में है, ये हम जानते हैं, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? अब आप क्या करिए, 1/r, 1/r is equal to 1/r is equal to 1/r1 plus 1/r1 plus 1/20 plus 1/30 plus 1/2r1। ठीक है, तो 1/r यानी कि पूरे सर्किट का नेट रेसिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं। तो 1/r is equal to हो गया 1/r1 plus 1/r1 हो गया 2/r2। सर 150 आएगी सर, अभी बता रहा हूँ। और ये हो गया 1/20 plus 1/30 और 1/2r1, ये हो गया 1/r is equal to 2/r1 और 1/2r1। इसको एक तरफ लिख लो, 2/r1 को लिख लो 2 into 2/2r1। जानबूझ कर मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2r1 है ताकि ऐड आसानी से हो जाए। और 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया? 60। 20 3 60 3 1 3 32 60 2 1 2। 1/r is equal to 2 2 4 4 plus 1 5 5/2r1 plus 5/60। ठीक, इतना करके अभी रुक जाते हैं। और हम ये जानते हैं कि पूरे घर में जो मेन सप्लाई है वो 220 वोल्ट की है, और उस 220 वोल्ट से करंट कितना निकल रहा है? 22 एम्पीयर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पूरे घर का रेसिस्टेंस ही तो निकाल रहा हूँ मैं। ये भाई पांच स्पेसेस हैं, 1 2 3 4 5, पांचों स्पेसेस का टोटल रेसिस्टेंस V/I। ठीक है, तो वी नो दैट, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दो। वी नो दैट टोटल और नेट रेसिस्टेंस, टोटल और नेट रेसिस्टेंस ऑफ द हाउस आर इज इक्वल टू V/I। तो क्वेश्चन को ज्यादा मुश्किल ना बनाते हुए इन्होंने 220 और 22 एम्पीयर बोल दिया ताकि ये कट के 10 आ जाए। तो 10 ओम हो गया, इसका मतलब आर की वैल्यू 10 ओम है। तो यहाँ लिखो 1/10 इज इक्वल टू, इधर न्यूमरेटर में 5 है कॉमन लिया जा सकता है, और डिनोमिनेटर से 2 ले लो कॉमन, 5/2। तो यहाँ बचा 1/r1, ऊपर से 5 कॉमन लिया तो क्या बचा? 1। नीचे से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा? 30। ठीक है, 2 1 2 2 5 10, 1/5 इज इक्वल टू 5 into, ये क्या हो जाएगा? 30r1। मैं 30r1 भी छोड़ो, एलसीएम लेना ही क्यों है। 5 1/r1 प्लस 1/30। ठीक है, अब क्या करिए, ये जो 5 है ये भी इधर आ जाएगा भाई, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो 1/25 इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/30। 1/30 को इधर ले आओ, 1/25 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/r1। और 25 और 30 का एलसीएम 150, 25 6 150, 6 1 6, 35 150, 5 1 5, 1/r1 1/150, r1 कितना हो गया? 150 ओम। ठीक है,
और R1 ही क्या था, स्पेस 5 का रेसिस्टेंस, स्पेस 5 का रेसिस्टेंस। तो इसमें कोई भी बच्चा ये कंफ्यूज ना हो कि अरे पूरा टोटल रेसिस्टेंस तो 10 ओम है और 5 वाले सिर्फ 5 नंबर कमरा जो है, मान लो 10 5 कमरे हैं तो 5 नंबर कमरे का 150 हो गया, हम कहेंगे हाँ हो गया। क्यों? क्योंकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना पैरेलल में वो कम हो जाता है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम बहुत कम हो गया। सीरीज इसी वजह से यूज़ नहीं करते, पैरेलल इसी वजह से यूज करते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो एक तो ये हुआ आपका, ये तो स्पेस नंबर 5 का हो गया। तो आप ये देखो कि सिर्फ एक तो वैसे ही दिमाग पर प्रेशर बोर्ड का, ऊपर से ऐसे खतरनाक ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइन बनाकर दे देंगे तो हो गया काम। तो इनमें कंफ्यूज मत हो ना, एक बार क्वेश्चन को पढ़ देना। हाउस होल्ड सर्किट है, हाउस होल्ड सर्किट में सारे के सारे पैरेलल में ही कनेक्ट होते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे वो सी पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द करंट इन स्पेस 3। वो पूछ रहे हैं कि स्पेस 3 में करंट कितना होगा। तो स्पेस 3 में जो ये आपका रेसिस्टेंस है ये 20 ओम है, ठीक है, और पैरेलल में है तो पैरेलल में सब में वोल्टेज सेम रहता है 220 वोल्ट। एक पूरे घर में अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो हर कमरे में 220 जाएगा। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं इसमें कितना हो जाएगा, 220/20 करंट निकाला है ना। तो सी पार्ट में आई इन स्पेस 3 इज इक्वल टू वी अपॉन आर बाई ओम्स लॉ, और वी कितना है 220, तो 220 अपॉन कितना 20 0 0 11 हो गया, 11 एम्पीयर। इसमें उसके बाद हमने क्या करा, देखो ये तो हम निकाल ही चुके थे है ना, अब यहाँ पर R की जगह 10 डाल दिया, R की जगह 10 डाल दिया तो 1/10, फिर इधर 5/2R1 5/60 है, तो मुझे दिख रहा है दोनों के न्यूमरेटर में 5 है, तो न्यूमरेटर में से तो 5 निकाल लिया कॉमन, डिनोमिनेटर में इधर 2R1 है इधर 60 है, तो मुझे समझ में आ गया कि 60 में से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो 30 बचेगा, तो इधर 1/R1 बच गया और इधर 1/30 बच गया। ठीक है, फिर ये 5, ये 2 5 10 हो गया, 2 5 10, अब ये 5 न्यूमरेटर में, ये 5 डिनोमिनेटर में, 5 5 25, 1/25 इधर क्या बचा, 1/R1 + 1/30, 1/30 को इधर ले आए, 1/25 - 1/30 एलसीएम लिया तो 1/150 आ गया। ठीक है, और 1/R1 रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, R1 = 150। उसके बाद देखिएगा डी पार्ट है, व्हाट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द मेन कनेक्शन एंड द रेस्ट ऑफ द, ये सुन लो डी पार्ट, डी पार्ट में कुछ नहीं करना, बस लास्ट वाला टॉपिक है। व्हाट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द मेन कनेक्शन एंड द रेस्ट ऑफ द हाउसेस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू सेव देम फ्रॉम एक्सीडेंटल हाई इलेक्ट्रिक करंट। फ्यूज वायर, इलेक्ट्रिकल फ्यूज, बस ये लिखना है। तो आपका जो पहला वाला है ए पार्ट वो बेहद आसान, और डी पार्ट वो बेहद आसान। ए में क्या लिखेंगे, मोड ऑफ कनेक्शन पूछ रहे हैं तो पैरेलल कनेक्शन, और डी में क्या है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज। समझ गए, तो ये हुआ। उसके बाद अच्छा जी, अब जरा समझना एक क्वेश्चन है, वाई आर मेटल्स नॉट इक्वली रिएक्टिव। एक क्वेश्चन है, वाई आर मेटल्स नॉट इक्वली रिएक्टिव, ये भी सैंपल पेपर का आएगा क्वेश्चन। चलो ठीक है, वैसे कर लो इसको, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर देखा जाए ध्यान से तो एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होता था चैप्टर, जो हट चुका है आपके सिलेबस से, पूरा चैप्टर ही हट गया है, ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी आसान है, समझा देता हूँ। हमने जो 20 एलिमेंट्स याद करे थे, उन 20 एलिमेंट्स में से कोई 3 एलिमेंट्स उठाकर लिख लेते हैं जिनकी वैलेंसी सेम हो, और मेटल्स की बात करेंगे तो ऐसे मेटल लेंगे, मेटल्स की बात करेंगे यानी कि कैटायंस लेंगे जिनकी वैलेंसी सेम हो। तो सोडियम की क्या होती है, 1+1, इससे छोटा कोई एलिमेंट जिसकी प्लस 1 होती हो, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2.1। सोडियम पर आ जाओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, और इसके अलावा बोरॉन, पोटेशियम बोल रहा हूँ,
मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो, बोरोन की 1 तो नहीं होती ना, 1 प्लस की बात कर रहा हूं। तो पोटेशियम का कितना हो गया, 19 मतलब 2 8 और 8 और 1। तो यहां पर ये है कि ये जितने भी मेटल्स हैं, ये तीनों ही तीनों मेटल्स हैं। पहली चीज तो ये कि तीनों मेटल्स हैं क्योंकि ये कैटायंस फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें इसको बोल देते हैं ग्रुप फर्स्ट। आपको इसकी जरूरत नहीं है वैसे बताने की, मैंने ऐसे ही बोल दिया ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट होता है ये पीरियोडिक टेबल में ना, दो चीजें होती हैं, पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं। तो जो वर्टिकल होते हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल जो होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन उसको पीरियड्स बोल देते हैं। तो ये जो ग्रुप वन है ना, ग्रुप वन का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा लॉजिक समझाया था इसने नील बोहर ने, नील बोहर की ही पीरियोडिक टेबल है जो आज भी लोग मानते हैं, जिसको मेंडली रदरफोर्ड वगैरह वो सब फ्लॉप हो गए थे। तो जो नील बोहर है, नील बोहर की पीरियोडिक टेबल आज भी चल रही है। तो नील बोहर ने ये समझाया ग्रुप वन है ना, तो ग्रुप वन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका वैलेंसी वन ही होगी, ग्रुप टू वालों की सबकी वैलेंसी टू होगी। उसके बाद बीच के कुछ वो गायब कर दिए थे उसने, 12 तक के गायब कर दिए थे, फिर सीधा ग्रुप 13 पर जंप हो गया था। 12 तक के जो गायब करे थे उसका अलग रीज़न था, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर ग्रुप 13 की वैलेंसी 3 होगी, ग्रुप 14 की वैलेंसी 4 होगी। तो खैर उनको छोड़ो, आप यहाँ पर देखो, हाँ हाइड्रोजन भी है लेकिन हाइड्रोजन को लेते नहीं है, हाइड्रोजन को अलग लिख देते हैं बस। जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना शुरुआत में आरएक्स, आरएक्स पता है कि नहीं? नहीं, कभी डॉक्टर का पर्चा ही नहीं देखा? नहीं। अरे डॉक्टर का पर्चा तो देखा होगा, देखा था। तो डॉक्टर जब भी मेडिकल वालों से मिलवाता है, वो तो मैंने मान लिया, लेकिन कोई भी गंदी राइटिंग अच्छी राइटिंग का सब ये लिखते हैं आर और एक्स, मतलब इसका मुझे भी नहीं पता, मतलब इसका मुझे भी नहीं पता है ना। लेकिन ये डॉक्टर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा तो शुरुआत आरएक्स से करेगा, वो पहले आरएक्स लिखेगा फिर यहाँ लिखेगा कि ये वाली गोली दिन में तीन बार पर ऐसे तीन ऐसे बना लेते हैं। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है ना वो आरएक्स है, हाइड्रोजन के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, तो इसलिए मैं लिथियम की बात कर रहा हूँ। तो जरा सुनो, इसकी वैलेंसी भी 1+, अरे उसको बाद में देख लेना, इसकी वैलेंसी वो लिखते हैं, पूछ लेना घर में भी कोई डॉक्टर हो तो उनसे पूछना आरएक्स क्या है, ठीक है? जनरल डॉक्टर बताते भी नहीं है, पता नहीं कुछ जैसे टोना टोट का होता है, कुछ है चक्कर है, कुछ पता नहीं क्या, पता नहीं क्या है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का सिंबल है तो होगा शायद, पूछते हैं ना, पूछते हैं तो बताते नहीं है कि क्या है। आरएक्स इज कॉमनली नोन टू बी द सिंबल फॉर अ मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, द सिंबल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेसिपी व्हिच मींस रेसिपी तो हो गई ना एक तरह से, एक कॉम्बी फ्लेम लेनी है, एक सेट्रोजिन लेनी है, वही बुखार खांसी वाला दवाई। चलो देखो जरा ये एक है, अरे सुन लो आसान है ये, ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं ये इक्वली रिएक्टिव क्यों नहीं है? ये इक्वली रिएक्टिव इस वजह से नहीं है क्योंकि क्या है, जैसे लिथियम है, लिथियम की भी वैलेंसी 1+ है, ठीक, अच्छा सोडियम की वैलेंसी 1+ है, पोटेशियम की वैलेंसी इसकी भी 1+ है, पोटेशियम कुछ ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों है ज़्यादा रिएक्टिव? क्योंकि ये जो वन है ना, ये वन बहुत दूर है, ये चौथे शेल में है, तो बड़ी आसानी से ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है ना, तो बहुत आसानी से डोनेट कर देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग बड़ी आसानी से हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग होती है ना उसी से पता चलता है कौन एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन एलिमेंट कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये क्योंकि चौथे शेल में बैठा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो चौथे शेल से आसानी से स्लिप करके किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर जाएगा ये। ऐसे ही जो सोडियम है, सोडियम तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये थोड़ा सा क्लोज है, इसके न्यूक्लियस के क्लोज है, तो उसको काफ़ी स्ट्रांगली न्यूक्लियस ने होल्ड कर रखा है एज कम्पेयर टू पोटेशियम। तो सोडियम भी रिएक्टिव है लेकिन पोटेशियम से कम, और लिथियम भी रिएक्टिव है लेकिन सोडियम से कम, क्योंकि ये दूसरे शेल में बैठा हुआ है। तो इसका सही आंसर ये है कि लिखिएगा यहाँ पर, मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव बिकॉज
on moving down in a group, their tendency to lose electrons increases, and so their reactivity increases. बस इतना लिख देना बोल सर. बोलो लैंथेनाइड्स क्या होता है यार? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज की जरूरत ही नहीं है. लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज ये जो होता है ना पीरियोडिक टेबल में होता है, इसमें क्या है कि कुछ एलिमेंट्स हैं, शायद 12 या 13 एलिमेंट्स हैं, तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं और ये कह देते हैं कि भाई ये लैंथेनाइड सीरीज है, और उन एलिमेंट्स का ना बहुत कम यूज़ होता है इस वजह से. ऐसे ही एक्टिनाइड सीरीज होती है तो वो एल ए और ए सी करके लिख कर छोड़ देते हैं कि इसके अंदर की सीरीज अलग है. ये हो गया जी. अच्छा अगला देखता हूँ. समझ में आ गया ना कि जो ज़्यादा दूर है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जब आसानी से करेगा तो बड़ा रिएक्टिव है भाई, एकदम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. ये हो गया. और कौन सा था भाई? सर ऐसे डी ग्रुप छोड़ा क्यों था बोल रहे? कौन सा पीरियोडिक टेबल का डी ग्रुप क्यों छोड़ा था? डी ग्रुप कहाँ छोड़ा था? पीरियोडिक टेबल का डी ग्रुप कर रहा है. नहीं नहीं ग्रुप वन डी ग्रुप समझा नहीं क्या कह रहे हैं? सर थर्ड से लेकर ट्वेल्थ वाले ग्रुप होते हैं हाँ, उसे डी ब्लॉक कहते हैं ना. ऐसा में वो जो है ना उसमें मेटल्स के साथ साथ मेटालॉइड्स भी आते हैं, तो जो मेटालॉइड्स थे उनको अलग अलग कलर से उसने शेड कर रखा था, तो उसको पढ़ने के लिए शायद 11th में पढ़ोगे या पता नहीं 12th में है, 11th या 12th में हो, तो यहाँ से तो हटवा दिया वो पीरियोडिक टेबल, वहाँ शुरुआत से पढ़ाया जाएगा, तो अभी ज़रूरत नहीं है उसकी छोड़ने की. क्या हाँ यही मेटालॉइड वाले जो चीज सिलेबस में नहीं है वो जानने का बहुत इंटरेस्ट है. अगर ये हो जाता तो अच्छा पीएच वैल्यू होती है इसका जो फुल फॉर्म है वो होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. और इसमें ये होता है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है, 7 से कम है और 0 तक है, तो 0 से 7 के बीच में जो भी आपका कंपाउंड है वो एसिडिक होगा, और 7 से लेकर 14 तक जो कंपाउंड है वो बेसिक होगा. तो जितना ज़्यादा आप 14 की तरफ बढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेसिसिटी इम्प्रूव होती जाएगी, बेसिक करेक्टर इम्प्रूव होता जाएगा, और इसी तरह से जितना आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे मतलब जीरो की तरफ जाएंगे कम की तरफ जाएंगे उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता होता है, ऐसा होता है. अच्छा ये कौन सा टाइटेनियम एनोड और माइल्ड स्टील कैथोड ये वाला ना? यस सर नीट. ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन ब्राइन बी आर आई एन ई सर वो एनोड एनोड एनएसीएल सर एनएसीएल की मोल्टन फॉर्म होता है. एनएसीएल की मोल्टन फॉर्म को ब्राइन बोलते हैं, ठीक है. अच्छा देखिएगा जरा एक क्वेश्चन और भेजा है, इसमें देखो वो सारा कुछ दे तो रखा है इसमें, इसमें क्या कंफ्यूजन है अभी? देखो ब्राइट दे रखा है, क्वेश्चन भेजा है ग्रुप पर, इसमें ना लेफ्ट साइड से अब कहाँ दिमाग है? अच्छा तो इधर एक पाइप लगा रखा है, उससे ना मोल्टन सोडियम क्लोराइड एंटर कर रहा है. ब्राइन का मतलब नमक है अपनी पिघली हुई फॉर्म में, नमक मतलब NaCl वो आ रहा है. इधर एक एनोड लगा रखा है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना टाइटेनियम एनोड और माइल्ड स्टील कैथोड, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपने पढ़ा है कोई टाइटेनियम का रिएक्शन या स्टील का कोई रिएक्शन, वो हमने कुछ नहीं करा, तो वो कैथोड और एनोड है सिंपली बस. अच्छा जी अब ऊपर जो है ऊपर इन्होंने दो पाइप्स खुले छोड़ दिए एटमॉस्फेयर के लिए कि कोई भी गैस होगी तो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी. तो आप ये देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है, आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्व्ड एट द एनोड एंड कैथोड इन द अबव एक्सपेरिमेंटल सेटअप. एनोड में और कैथोड में जो गैस इवॉल्व हो रही है वो आपको बतानी है. हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन
बता दो ऐसी सर हाइड्रोजन सही। आप ये देखो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको Na+ आयन जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो Na+ टूट गया तो बचा क्या, क्लोरीन बचा ना, सोडियम क्लोराइड था, तो इधर से तो क्लोरीन गैस एटमॉस्फेयर में निकल गई, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है OH- माइनस आयन, तो इधर वाटर था, तो वाटर को मैंने बताया था कि वाटर को ऐसे लिखते हैं H1+ और OH1-, तो OH1- तो यहाँ दिखाई दे रहा है और H+ यानी कि हाइड्रोजन गैस वो निकल गई। ये सैंपल नंबर बी है, नेम द प्रोसेस दैट अकर्स, व्हाई इज इट कॉल्ड सो, और एल्केली बन रहा है, NaOH बन गया ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो यानी कि एक एल्केली बन गया और क्लोरीन निकल रहा है, तो क्लोर एल्केली प्रोसेस। सी पार्ट है, इलस्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, NaCl का टूटना दिखाना है और वाटर का टूटना दिखाना है और NaOH का बनना दिखाना है, बस नोट्स में दे रखा है। लेकिन उसमें सोडियम का टूटना भी दिखाएंगे, एक Na मतलब NaCl टूटा है किस तरीके से वो भी दिखाना है, और एक H2O किस तरह से टूटा है वो भी दिखाना है। सिलिका जल वो यहाँ पर ये कहाँ पर पढ़ लिया तुमने सर, मेटल नॉन मेटल दिखाओ क्वेश्चन कहाँ पर क्वेश्चन ये सर, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था ना सिलिका जेल, तो उसमें बोला हुआ था कि वो रस्टिंग ऑफ आयरन को रोक रहा है, मतलब रस्टिंग होने से रोक रहा है। चलिए कोटिंग करने के लिए काम आता होगा, मतलब उसकी कोटिंग करने से शायद रस्टिंग रुक जाती होगी, बता देना, मैंने कहीं देखा नहीं, नोट्स में भी मैंने कहीं लिखा नहीं है। नहीं सर, वो मैंने कहीं और पढ़ा था। कोई बात नहीं, सिलिका जल फिर काम आता होगा रस्टिंग को रोकने उसको कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराने के लिए। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है तो कहीं अंदर का जो टंगस्टन फिलामेंट है वो कहीं मेल्ट हो जाता है। और एक रीजन और होता है, गलती से भी ऑक्सीजन अंदर में एंटर ना करे, अगर ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी तो वो जल जाएगी, ऑक्सीजन से तो भर्ती होती है ना।